माननीय पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने की, देश की जनसांख्यिकी बदलने की और देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक ही दिन में सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर जेल की सलाखों को पीछे डाल दिया। माननीय देश भर में पीएफआई को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनेगारों को आज वापस लिया जाता है। एनआईए के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चूम उठाकर हम वापस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापस लाए। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी 5 वापस लाए और तवरू राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाएगा। माननीय विदेश में भारतीय दूतावासों पर लंदन, ओटावा, सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए वो तीनों मामलों को हमने एनआईए को सौंपा है और माननीय लगभग मैं यूएपीए को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहाँ पर और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, विपक्ष को भी बताना चाहता हूँ, यूएपीए का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले खिलाफ इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था आपको क्यों डर लग रहा है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं और एक में भी विवाद नहीं हुआ है, कोई राजनीतिक दुरुपयोग माननीय नहीं हुआ। माननीय अभी गोगाई जी नार्कोटिक्स का बात करते थे, वो कहते थे कि नार्कोटिक्स का चलन बढ़ गया है। माननीय इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, मैं बाद में दुरुस्त करता हूँ इसको। माननीय मोदी जी ने 2014 से गृह मंत्रालय के अधीन, पहले श्रीमान राजनाथ जी थे, अब मैं गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, नार्कोटिक्स पर जीरो टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया। एनकोड 2019 में बनाया गया, फिर इसको 4 स्तरीय किया गया, एनकोड पोर्टल डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल बनाए गए, मादक पदार्थ की तस्करी के विस्तृत जांच के लिए जेसीसी जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारें होती है इसका गठन किया गया, डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स राज्यों में बनाई गई, राष्ट्रीय नार्कोटिक कैनाइन पूल की स्थापना की गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,65,000 किलोग्राम नार्कोटिक्स को जलाया गया और अब वो टोटल आजादी के अमृत महोत्सव के एक वर्ष में 10 लाख किलो पहुंच गया है।